देख लीजिए, इस ये आपके पब्लिक हेल्थ का वाटर का पानी है, पब्लिक हेल्थ का जो वाटर है पानी है, और यह देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका जो है स्पुरलिना का वाटर पानी है। अब ये आरओ का पानी में बिल्कुल भी लाइट नहीं जग रही है, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल कोई भी इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दलाली नहीं है। स्पुरलिना खाने से आपको टोटली विटामिन, टोटली आयरन, टोटली फोलिक एसिड, टोटली कैल्शियम, स्पुरलिना खाने से पालक से 56 गुना अधिक आयरन मिलता है, गाजर खाने से 25 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलती है, इसके अंदर दूध से और अंडे से 6 गुना अधिक प्रोटीन मिलता है। धरती पर पाए जाने वाला एकमात्र शाकाहारी 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, ये सर 20 कैप्सूल हैं। तो 20 कैप्सूल हैं और 5 कैप्सूल इस पानी के अंदर है सर जी। ठीक है, ये 25 कैप्सूल हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको 1 टाइम में इनकी डोज लेके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, एक टाइम में 25। तो हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत विशेष वीडियो लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारे घर में माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम खुद भी होते हैं, तो उसमें हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके खान पान पर, पौष्टिक आहार पर क्या हमें पता है कि वो जो हम जिस भी प्रोडक्ट को हम घर पर लेकर आ रहे हैं, सेब लेकर आ रहे हैं, संतरा लेकर आ रहे हैं, जूस लेकर आ रहे हैं, या फिर हम दही घर पर लेकर आ रहे हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है। आज हम यही एक स्पेशल आपके लिए एक घर पर जो है आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि हमारे घर में जो आने वाली जो पौष्टिक तत्व हैं, क्या उनमें वाकई में जो है वो पौष्टिक तत्व हैं भी या नहीं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बड़े ही सावधानी से करना है और बच्चों से तो बिल्कुल भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं करवाना है। तो इसमें बड़ी ही सावधानी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोटीन सही तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप जो पनीर खा रहे हैं उसमें से उस सब्जी में आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जो आप घर पर सेब ला रहे हैं, जूस, संतरा एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा जो भी कुछ लेकर आ रहे हैं, उनका भी आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। और दूसरी बात, घर पर जो आप पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, क्या उसमें जान है, क्या उसमें पौष्टिक तत्व है, क्या उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं, ये सबसे बड़ी जो है आज का विषय है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बात के लिए जो है को जो है अवेयर करती है और उस चीज को ही मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके सामने जो है एक एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो है किसी भी प्रकार की कोई दलाली नहीं मिलेगी, कोई झूठ नहीं मिलेगा, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये हमने पहले से ही एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन आपको एक नए तरीके से जो हम आपको उसी एक्सपेरिमेंट को हम दोहरा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो इस एक्सपेरिमेंट को दिखाए। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, हमने 2 कप ले लिए हैं और यहां पर इस कप के बीच में आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई तार या वायर नहीं है जिसमें जो है आप पता चल जाए कि भी इसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। अब मैं इनको दोनों गैप को जो है अलग कर देता हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दलाली नहीं है, अभी इसमें कोई आपकी आंखों के साथ कोई धोखा नहीं किया गया है। अब इसमें हमने ये क्या किया है, ये 2 कप लिए हैं, 1 कप में जो है आरओ का पानी है, ये आपने ये ध्यान रखना है, 1 कप में आरओ का पानी है और दूसरे में जो घर पर जो आपके जो है सरकारी पानी आता है, जो पब्लिक हेल्थ है, क्या वो वाकई में पब्लिक हेल्थ को जो है अवेयर है, क्या वो हमें वाकई में जो है पब्लिक हेल्थ वाले हमें वो पानी दे पा रहे हैं जिसकी हमें सकता है, क्या आरओ की जो बड़ी बड़ी जो है इतनी बड़ी जो है जो उनके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनके इश्तिहार लगाए जाते हैं, आपको एडवर्टाइज के माध्यम से जो है आरओ को जो है आपको जो अवेयर किया जाता है, क्या वो बड़े बड़े जो नेता जो अभिनेता जो है इनकी आरओ की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, क्या वो वाकई में सही है। लेकिन इन चीजों से आज बिल्कुल हम पर्दा हटा देंगे। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, अगर अच्छी लगे, अगर आपको घर पर एक्सपेरिमेंट करके वो आपको एक्सपेरिमेंट में जो आप हमने बताया आपको अगर वो वैल्यू आपको मिल जाए तो प्लीज ईमानदारी से इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम निष्पक्ष जांचें आपके साथ इसी प्रकार की हम लेके आते रहें। तो हमने जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 2 तरह का पानी लिया है, एक तो पब्लिक हेल्थ जो सरकारी पाइपलाइन जो हमारे घर पे आती है और दूसरा हमने आरओ का पानी लिया है। और इसके लिए जो हमने क्या किया है, दूसरा जो हमने एक बल्ब लिया है, यहां पर शायद हो सकता है कि आपने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट पहले भी देखे हों, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है दलाली होती है उसमें जो है सच्चाई की जो है गुंजाइश बहुत कम होती है। ये मेरे जो है माइक का वायर है, आप देख सकते हैं ये मेरे माइक का वायर है जहाँ से आप मुझे सुन पा रहे हैं और इसमें अब ये देख लीजिए, अब यहाँ से मैं इसको पहले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बोर्ड में से जो है सप्लाई आई हुई है और ये सप्लाई, चलो जी
तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सप्लाई आई हुई है, अगर इसको हम टच करते हैं तो ये बल्ब जग जाता है, ये बल्ब जग जाता है। तो हमने सिंपल सा सिर्फ एक वायर लेना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहाँ पर जो है इन दोनों वायर को जो है इस प्रकार से जो है आपने लेना है। ये देख लीजिए कि दोनों के दो वायर वहाँ से बोर्ड से आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो बोर्ड से मैं लगी हुई वायर यहाँ पर दिखाए, जो मेरे तक यहाँ पर आ रही है, मुझ तक पहुँच रही है। तो ये देख लीजिए, यहाँ से जो है मैंने एक वायर को कट किया है प्लास के माध्यम से, तो ये यहाँ पर जग गया है। अब इसको जो है आपने बड़ी सावधानी पूर्वक या तो पहले ही इसको जो है एक टेप मार लेनी है, और ये नहीं तो इसको जो है इस एक्सपेरिमेंट को बड़े ही सावधानी से करना, और दोनों के बीच में इतना गैप होना चाहिए लगभग जो है आप देख सकते हैं जितनी वायर है मैंने आपस में इनको मिला रखा है, और यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा गैप रहना चाहिए इसमें। और ये गैप आप देख लीजिए, अगर न्यूट्रिशन होगी, अगर हमारे पानी के अंदर जान होगी, शक्ति होगी, तो वो बिल्कुल निसंदेह आपस में वो न्यूट्रिशन जो है वो दर्शाएगा कि इसमें न्यूट्रिशन है, और हम उसमें हम इसमें हम जो है डालकर देखते हैं कि इसमें वाकई में न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है। अब ये सबसे पहले हम आरओ के पानी के अंदर हम इसको डाल देते हैं। जब आपको पता है कि जल के अंदर, पानी के अंदर जो है करंट आता है, अगर जिस जल के अंदर करंट ही नहीं आएगा तो फिर वो करंट कहाँ रह जाएगा। अगर करंट नहीं है तो हमारे शरीर को करंट नहीं मिलेगा, तो हमें जो है जो पॉजिटिविटी जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये आरओ का पानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आरओ का पानी इस्तेमाल किया है। अब ये आरओ का पानी में बिल्कुल भी लाइट नहीं जग रही है, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल कोई भी इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दलाली नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रखा है। और आप दूसरे अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये आपका पब्लिक हेल्थ का पानी है, इसका मतलब पब्लिक हेल्थ से जो आपको पानी मिल रहा है सही मिल रहा है। न्यूट्रिशन कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही है ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरओ का पानी तो बिल्कुल आपके लिए घातक है। इसको तो आप यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से सिर्फ बाहर ही करोगे, लेकिन शरीर को आपकी जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिशन की वैल्यू चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इस वजह से हमारा खाया पिया नहीं लग पाता है, जब तक हम जल ही, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70-80% जल के ऊपर निर्भर करता है। अगर जल ही सही नहीं है तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे और हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा, हमें खाया पिया नहीं लगेगा। अगर हम दूसरी बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ से जो हमें न्यूट्रिशन का जो जल मिल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पानी को जो है, अपने घर के पानी की न्यूट्रिशन वैल्यू, अपने घर वालों के, आप अपने घर वालों को न्यूट्रिशन किस प्रकार से दे सकते हो, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हो। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है बल्कि एक दिखाना सर, ये इससे जो है आप अपने पानी की जो है, अपने दूध की, अपने जूस की आप न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये स्पुरुलिना है, आप इसको सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। वैज्ञानिकों ने इसको जो है बड़े ही जो है इसको प्रमाणिकता के साथ प्रमाणित किया है, नासा के वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से स्पुरुलिना हमारे शरीर के लिए जो है वैल्यूएबल है। न्यूट्रिशन इसमें जो है आपको 100% मिलेगी। सर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें से खोल कर दिखाएँ, इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जल दिखाएगा, हम जल में डाल के दिखाएंगे आपको कि इसमें वो कितनी न्यूट्रिशन आपको मिल सकती है। तो आरओ के पानी में हम डाल के देखेंगे, अगर हमारे घर पे आरओ का पानी है, अगर आपके पास घर पर दूसरा पानी नहीं है, अगर आरओ के पानी से भी आप इसको लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन हमें कितने मिल सकते हैं। तो हमारे पास ये कैप्सूल है, हमारे पास 5 कैप्सूल है, इन 5 कैप्सूल को हम इस पानी में जो है एक मिक्स करेंगे आरओ के पानी में। उससे पहले मैं आपको जो है चेक कराना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पास वायर है और ये देखिए ये वायर है, बिल्कुल आपका जग रहा है, और इसमें हम डाल के देखते हैं क्या ये तब भी जग रहा है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, अब नहीं जग रहा है। अब सर इसमें वो डालिए सर आरओ के, इधर लगा रहे भी चेक करो, अब ये भी चेक कर लीजिए सर, ये देख लीजिए अब जग रहा है, अब ये नहीं जग रहा है, अब देखिए अब डाल के दिखाओ सर, अब इसमें डालिए। अपने पानी की न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, अपने बच्चों को पौष्टिक आहार कैसे दें, ये बहुत ही प्राचीनतम, और आप इस न्यूट्रिशन की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो, अपने दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हो, अपने जूस की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सकते हो, अपने लस्सी की, या जो भी आप पौष्टिक आहार लेते हैं, या आप रोटी खाते हैं आप रोटी में भी डाल सकते हो, उसको चावल में डाल सकते हो, ये सिर्फ अंदर जाना चाहिए आपके शरीर में, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको इतनी मिलेगी कि आपको 2 किलो दूध पीने के बाद भी नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, मैं एक बार दोबारा से आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, बस सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा पीछे हट जाइए, अब इसको हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। तो मैं एक बार दिखा दूँ कि ये बिल्कुल जग रहा है, और ये देख लीजिए आप,
ठीक है। तो अब इसको आरओ के पानी को हम देखते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कितनी जो है बढ़ चुकी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आपने बड़े ही सावधानी पूर्वक करना है तो, क्योंकि आपको करंट का झटका भी लग सकता है और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये बल्ब जो है ये ज़्यादा जगेगा। आप देख लीजिए, आप ये ज़्यादा जगेगा, अगर यहाँ से आप देख लीजिए इस, ये आपके पब्लिक हेल्थ का वाटर का पानी है, पब्लिक हेल्थ का जो वाटर है पानी है, और यह देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका जो है स्पुरलिना का वाटर पानी है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कई गुना जो है बढ़ा देता है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ मात्र 5 कैप्सूल लिए हैं और ये 5 कैप्सूल हमारे जीवन में को जो है किस प्रकार से जो है हमारे शरीर को जो है यहाँ पर अच्छे से जो है पोषक तत्वों की कमी से कर हमें बीमारी से दूर रख सकते हैं, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हम हमारे सामने मौजूद हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी हमारे सामने मौजूद हैं, वो इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि ये वाकई में है क्या चीज़, ये आयुर्वेदिक चीज़ है, कहाँ से हमें उपलब्ध हो पाएगी, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने बूढ़े बुजुर्ग को जो है इसकी पूर्ति हम पूरी करा सकते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। मैं एक मिनट के लिए इसको जो है पूछ पीछे रख देता हूँ और कैमरा मैन को कहना चाहूँगा कि ये बल्ब की जो तारों को जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाए ताकि जो है किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे। तो ये हमने साइड में रख दिया है और अब हम बात करना चाहेंगे सर आखिर ऐसा क्या कारण है इसमें, ये स्पुरलिना क्या है, थोड़ा हिंदी में जो है लोगों को बताएं ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए स्पुरलिना प्रोडक्ट क्या है और ये कहां से लोगों को उपलब्ध हो पाएगा, अगर ये नहीं उपलब्ध हो पाया तो किस कंडीशन में आप घर पर जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर मैं माइक निकाल लेता हूँ सर, जी बताइए। नमस्कार जी, 7X हरियाणा का बहुत अभिनंदन करता हूँ अपने हेल्थ और वेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। ये स्पुरलिना है क्या चीज़, ये मैं इसको बारे में थोड़ा सा आपको डीपली जानकारी दूंगा और शुद्ध हिंदी में आपको कोशिश करूंगा बताने की स्पुरलिना है क्या चीज़, इसका अस्तित्व है क्या चीज़। स्पुरलिना एक प्रकार की एल्गी और शैवाल है, ये इंसान के जन्म से पहले का, मनुष्य के जन्म से पहले का अस्तित्व है इसका और 350 मिलियन वर्ष इसका अस्तित्व है। जब धरती पर इंसान ने जन्म भी नहीं लिया था उस तब से ये खाना है। ये समुद्र को सभी जानते हैं, समुद्र के हैं ऐसे हमें से अंदर से हमें एल्गी मिलती है और शैवाल मिलती है। ये कछुए की है, कछुए की उम्र लगभग 250 से 300 साल होती है, कछुआ यही खा रहा है, ये मछली यही खाती है, ये समुद्री भोजन है। ये काई, इसको हमें हिंदी भाषा में अगर एक्सप्लेन करा जाए तो काई भी बोलते हैं। 9th क्लास का जो चैप्टर आता है फूड के, उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है, एल्गी शैवाल के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर बच्चों आज के टाइम में मेरिट लिस्ट के अंदर पढ़ने के लिए इसको भूल चुके हैं। प्लस टू में बायोलॉजी आती है, बायोलॉजी के अंदर भी इसके बारे में प्रॉपर बच्चों को नॉलेज दिया जाती है कि स्पुरलिना है क्या चीज़, पर इसको हम भूल चुके हैं, अस्तित्व भूल चुके हैं। ये नासा का विज्ञान सुपर फूड है। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और 21st सेंचुरी का कोई ना कोई सर्वोत्तम आहार होना चाहिए। जैसे हम फूड वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट खिला रहे हैं अपने बच्चों को, ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं, काजू की आज कीमत लगा लो आप, बादाम की आज किस्मत लगा लो, कीमत लगा लो, अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा के अंदर खिलाएं अपने बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को जन्म ले सकती है। पर माँ बाप इतने आज के टाइम में गरीब हो चुके हैं, अपने बच्चों को गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। ये स्पुरलिना का अस्तित्व मैंने आपको बता दिया, स्पुरलिना है क्या चीज़। स्पुरलिना खाने से आपके बच्चों को, जो आपके बड्डों को, बच्चों को क्या कह दे रहा, इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की आपके बच्चों के अंदर क्षमता, वो सब कुछ मिलेगी। स्पुरलिना खाने से आपको टोटली विटामिन्स, टोटली आयरन, टोटली फोलिक एसिड, टोटली कैल्शियम सब कुछ मिलने वाला है। स्पुरलिना के अंदर हम बच्चों को आज के टाइम में एक एनीमिया के बहुत कैटेगरी के पोषण का बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं। स्पुरलिना खाने से पालक से 56 गुना अधिक आयरन मिलता है, गाजर खाने से 25 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलती है। हम बच्चों को अपने दूध पिला रहे हैं और जो आज के टाइम में थोड़े से मावेशी होते हैं शाकाहारी, अंडा खिलाते हैं, एग खिलाते हैं बच्चों को, इसके अंदर दूध से और अंडे से 6 गुना अधिक प्रोटीन मिलता है। धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र शाकाहारी भोजन है क्या देख रहा शैवाल। इसको खाने से जो हमारे बच्चों को नीड है सब कुछ मिलेगा, टोटली बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और मैंने इसका एक्सपेरिमेंट खुद, मैं पैसे से, जैसे सर ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह है, मैं डॉक्टर इसलिए लगता है मेरे नाम के अंदर, मैं 25 साल डॉक्टरी कर चुका हूँ और हमने डॉक्टरी को आज बिल्कुल छोड़ दिया। हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कलर केमिकल चीज़ों से बचो। स्पुरलिना आपको एक कंपनी नज़र आ रही होगी डीएक्शन, मार्केट में स्पुरलिना आपको बहुत से ब्रांड मिलेंगे, बहुत से ब्रांड पे लेंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता। हमें चाहिए आज के टाइम में प्योर ऑर्गेनिक चीज़ कि किसी चीज़ के अंदर नेचुरल चीज़ हो, कलर ना डाला जाए, केमिकल ना डाला जाए। हमारी स्पुरलिना के ऊपर आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी और हमारी स्पुरलिना के अंदर कोई भी कलर केमिकल ऐड नहीं है किसी प्रकार का। इसको आप छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक के आदमी के किसी को भी खिला सकते हो।
बच्चों को जरूरी है, बच्चों को आज के टाइम में बच्चों को आयरन कैल्शियम किसी भी चीज़ से नहीं मिलता आज के टाइम के अंदर। इसको प्रेगनेंट लेडीज 9 के 9 महीने खिला सकती है, अनीमिया नहीं होगा बच्चे के अंदर। उसको जैसे आज के टाइम में हमारी जो माताएं हैं बहनें हैं लड़कियां हैं खासकर, उनके आज किसी का भी चेक करा लो आप HB और कैल्शियम किसी का भी प्रॉपर नहीं मिलेगा, और ये कभी भी उसको बच्चे के अंदर अनीमिया की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगी, बच्चे की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, 68% प्रोटीन है और ये नेचुरल है, वाटर सोल्यूबल है, हमारी बॉडी के अंदर 95% स्पिरुलिना बॉडी के अंदर रहेगी, सिर्फ 5% वेस्ट होती है ये। मतलब अंडे में अगर जैसे 25 से 30% जो प्रोटीन मिलता है, सॉरी 25 तो मेरे ख्याल से सोयाबीन की दाल में ही मिलेगा 40% तक, लेकिन जो अंडे में है मेरे ख्याल से 15 से 20% के बीच में है, तो यहाँ पर कितना बताया सर आपने कितना प्रोटीन मिलेगा? 6 गुना अधिक मिलेगा अंडे से, 6 गुना अधिक, जैसे सर बता रहे हैं 25 गुना अंडे से, इसको 6 गुना अगर मैं ज़्यादा करूँ वो तो इससे ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है। सपोज करो मैंने अभी 5 कैप्सूल खेला इसमें एक्सपेरिमेंट मैंने जो करा है, 5 कैप्सूल मैंने खोले हैं, अगर कोई इंसान डेली अपने डाइट के अंदर इन 5 कैप्सूलों को ऐड करेगा तो ये समझ लो उसने 1 किलो दूध 1 किलो फ्रूट 1 किलो सब्जी अपने अंदर आज ले लिए। अगर हम इन तीनों चीज़ों की कॉस्ट की बात की जाए सर, मार्केट के अंदर 70 रुपये किलो दूध आज, अगर हम अच्छा फ्रूट लेने की कोशिश करें 100 रुपये के किलो करीब मिलेगा, अगर हम आज वेजिटेबल की बात करें तो 100 रुपये के करीब हमें वेजिटेबल नहीं मिलेगी। पर आज के टाइम अगर देखें पेस्टिसाइड इतना यूज़ हो रहा है जी। कैसे बचे कलर केमिकल से जी। अगर किसान पेस्टिसाइड नहीं करेंगे तो पैदावार कहाँ से करेंगे जी। वो हमारी मजबूरी बन चुकी है आज। सर एक सवाल मैं और करना चाहता हूं। हाँ जी, ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स जो है ट्रीटमेंट के बाद जो है वो ज़्यादातर जो है पोषक तत्व हमें लेने के लिए बातचीत करते हैं, और जिनमें जो है एक अंडा, मछली और इसके अलावा कछुआ या फिर चिकन जिसे बोलते हैं मुर्गे का जो है खाने का जो है प्रावधान बताया जाता है, क्या जो व्यक्ति जो शाकाहारी है क्या वो जो न्यूट्रिशन आपको वहाँ से वो मिल रही है, उस व्यक्ति को मिल रही है जो मांस से मिल रही है, अंडे से मिल रही है या एक्सेप्ट्रा जो भी जो भी गोश्त से मिल रही है, क्या वो सभी चीज़ें जो हैं क्या इस स्पिरुलिना से मिल सकती हैं? बिल्कुल मिलेंगी सर, बिल्कुल मिलेंगी जी। ये मैंने आपको अभी भी बताया ये समुद्री भोजन है, मैंने नहीं बनाया सर, ये प्रकृति का बनाया हुआ है, धरती पर इंसान की उत्पत्ति भी नहीं होती, ये तब का खाना है सर ये। आज मैंने अभी इसमें पहले बताया था मछली, मछली की उम्र डॉक्टर बोलते हैं कि मछली का तेल खा लो, आप वही खा लो जो मछली खा रही है सर, आप वही चीज़ खा लो जो कछुआ खा रहे हैं, कछुए की उम्र आप 300 से 400 साल आज। अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा है कि 5 कैप्सूल ने एक बल्ब तक जगा दिया, आप सोच सकते हो इसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है सर। मतलब कि मछली और कछुआ जो भी ये चीज़ें समुद्री जो हैं ये काई को खा के जो है न्यूट्रिशन, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलते हैं जी सर, बिल्कुल जी। तो अगर मैं एक बात करूं क्या इसे एक गर्भवती महिला भी ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है सर, ये प्योर नेचुरल है सर, क्योंकि हमारे डिएक्शन कंपनी के खुद अपनी कह दे रहा एक रॉ मटेरियल अपना तैयार करती है, इतनी नेचुरल है सर ये जी। अगर हम किसी को कह दे रहा बातें बहुत आती हैं, अगर इसके किसी ने प्लांट भी देखने हम दिखाने के लिए तैयार हैं, अवेलेबल हैं, हमारे जो प्लांट हैं इंडिया के अंदर सिद्धिपीठ में हमारे फैक्ट्री है कंपनी की खुद, पांडेचेरी के हमारे खुद प्लांट हैं, किसी को वहाँ पर चल के देख सकते हैं हमारे साथ कि हम कितने ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार करते हैं सर। सर जैसा कि आपने बताया है कि ये एक सुपर फूड है, अगर फूड की ही बात करें तो ये फूड कितना अपने आप में सक्षम है, क्या ये फूड है भी या नहीं, और लेकिन इसकी जो मैं बात करना चाहूँगा कि यह कितना प्राकृतिक है कितना अप्राकृतिक है इसके बारे में बताइए कि इसके नेचर जो है कितना कितने तौर पर जो कितने परसेंट नेचर में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये इतनी नेचुरल है ना, इतनी नेचुरल है, माँ ने जैसे बच्चे को जन्म दिया जी। आप माँ के बच्चे को 1 घंटे के अंदर हमारी स्पिरुलिना खिला सकते हो, इतनी नेचुरल है, माँ का दूध बिब्बा दे बोल रहा हो, क्योंकि माँ के दूध के अंदर भी आज न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रही सर जी। माँ का दूध भी तो वही पेस्टिसाइजर है जो मार्केट के अंदर मिल रहा है, इतनी नेचुरल है ये, इस जामदे बच्चे को जितनी मर्जी कोई यहाँ पर हो नहीं लिमिट, आप 1 खिलाओ 2 खिलाओ जहाँ आपकी पॉकेट अलाउड करती है, उसके सिर में आपको डिस्प्लेन करना चाहूँगा कैसे सर, देखो ये मेरी स्पिरुलिना है, लोगों कंपनियों ने क्या लिखते हो डोज होती है हर चीज़ की, कोई लिखता है 1 खाओ 2 खाओ 3 खाओ 4 खाओ 5 खाओ 6 खाओ 7 खाओ, ये देखिए सर 4 2 6 2 8 4 12 4 16 जी। अभी सर वो ले रहे हैं अभी। ये 20 कैप्सूल है सर जी। और ये सर गिनना है 5 5 10 5 15 और 5 20, ये सर 20 कैप्सूल हैं। तो 20 कैप्सूल हैं और 5 कैप्सूल इस पानी के अंदर है सर जी, ठीक है, ये 25 कैप्सूल हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको 1 टाइम में इनकी डोज लेके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, एक टाइम में 25
25 कैप्सूल, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि ये जो कितना नेचुरल हो सकता है, नेचुरल है सर। अंत में सर क्या हमारे दर्शकों को, मैं तो अंत में ही कहूँगा आज के टाइम में कलर केमिकल से बचो, पेस्टिसाइड से बचो, वरना इंडिया के अंदर वही बात आ चुकी है, आज के इंडिया के अंदर एज 50 साल आ चुकी है इंसान की, जी 60 साल चुकी है, और बाहर के लोग आज भी 100 साल 110 साल जी रहे हैं। और ये जो स्पिरुलिना अनासा का सर सुपर फूड है, ये अगर हम आज 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, आप गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हो सर, 21st सेंचुरी सुपर फूड क्या चीज़ है, आपके पास वहाँ निकल के ही स्पिरुलिना आएगा जी, ये सर्वोत्तम आहार है धरती पर पाए जाने वाला। और ये तो 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने भी बोल दिया था, आने वाले टाइम का जो सर्वोत्तम आहार रहेगा वो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर निकल के स्पिरुलिना आएगा सर। ये मैंने नहीं, 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने बोल दिया था सर, और हमारे पास इस चीज़ की टोटल क्या देखा, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी पड़ती है साउथ के अंदर, वहाँ पर इसकी रिसर्च हो चुकी है कि यह कितनी नेचुरल है, और बाहरले देशों में इसको हमारी कंपनी ने डीएक्सन ने एक अभियान भी छेड़ा हुआ सर, जो कुपोषित ग्रस्त बच्चे हैं उनको $1 1 child का हमारा कंपनी का मिशन है कि जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं उनको 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है जी। और संयुक्त बाहरले साउथ अफ्रीका के अंदर सर, ये पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर काम हो रहे हैं। और हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है सर, अभी हमारे हमारी कंपनी की तरफ से एक इवेंट था 21 तारीख को बिजनौर यूपी के अंदर, मैंने भी उस इवेंट को शामिल किया था, और हमारे इंडिया के अंदर हमारे लिए गर्व की बात यह है सर, डीएक्सन कंपनी ने जो इंडिया के अंदर कुपोषित ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए ये कंपनी ने 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल करा दिया, जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं, जिन बच्चे का अनीमिया बहुत ज़्यादा शिकार है कि वो अवेलेबल नहीं करा सकते जी। हमारी कंपनी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डीएक्सन कंपनी स्पिरुलिना अवेलेबल कराएगी इंडिया के अंदर जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमने संपूर्ण जानकारी आपको स्पिरुलिना प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, जो जिसकी आप लगातार रील्स के माध्यम से स्पिरुलिना की जो है बार बार ऐड आप देखते हैं, और इसको वैज्ञानिक और कई प्रकार के जो है यूट्यूबर्स इसको जो है प्रचारित करते हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा इस प्रकार के कॉन्टेंट पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना है, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को स्पिरुलिना के बारे में, उसके नेचर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सर मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि स्पिरुलिना जो प्रोडक्ट है, ये स्पिरुलिना जो है इसको जो नासा के जो वैज्ञानिक जो है और इसरो के वैज्ञानिक जो है इसको जो है प्रमाणित कर रहे हैं कि जो स्पिरुलिना है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सर मैं आपसे एक बात और पता करना चाहूँगा कि स्पिरुलिना जो प्रोडक्ट है आज के मार्केट में स्पिरुलिना की जो है ना भरमार है, बहुत सारी जो है कंपनियाँ इसको जो है बना रही हैं, सेल कर रही हैं, वो डीएक्सन का ही क्यों लें, अदर प्रोडक्ट स्पिरुलिना क्यों ना लें? जी सर, आपने जी सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा नाम डॉक्टर है, मैं एक प्रैक्टिसर हूँ, और मैंने क्यों इसको चूज़ किया है स्पिरुलिना, आपने जैसे बताया अदर कंपनी के मार्केट के अंदर बहुत हैं, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन नीड किसको है, छोटे बच्चों को और प्रेगनेंट लेडीज़ को सर। और अदर कंपनी को जब मैंने मार्केट में, जैसे हमारे मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले उसको स्टडी करो, उसकी इंटरेस्ट और पढ़ो उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, और हमारी जो मैंने कई कंपनियों को जाके देखा है उन पे एक ही बात लिखी होती है सर कि आप 6 साल के छोटे बच्चों को नहीं खिला सकते और प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खिला सकते। वो इसलिए लिखते हैं, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ डली हुई है, उन्हें क्या डाला हुआ है कि छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दे सकते। सबसे ज़्यादा नीड, मैंने जैसे बोला कि सबसे ज़्यादा नीड तो न्यूट्रिशन वैल्यू की छोटे बच्चों की आज के टाइम में है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को है। आयरन की जो मैंने बोली कितनी कमी हो रही है बच्चों को आज के टाइम में, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ उसका आज के टाइम में HB किसी का पूरा ही नहीं मिलता सर। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगी, अगर किसी को कोई मेरे से मंगवाना चाहता है तो यहाँ से डिलीवरी हो जाएगी सर। कोरियर का खर्चा उस इंसान ने देना पड़ेगा जो कोरियर का खर्चा बैठेगा सर, हमारा तो जो जैसे जो हमने प्राइस रखा उस प्राइस में लोगों का अवेलेबल हो जाएगी सर। ये थैंक यू सर। दूसरा तो मुझे क्या करना है।